नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। सिवान जिले के दरौली विधानसभा क्षेत्र में रामायण मांझी का क्षेत्र में भ्रमण के पश्चात क्षेत्र की जनता में आक्रोश। आक्रोशित जनता ने रामायण मांझी का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक घोषणा के पहले ही रामायण मांझी अपने आप को घोषित प्रत्याशी कहना शुरू कर दिए थे, जबकि क्षेत्र की जनता में इनके प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बताते चलें कि दोन दुर्गा मंदिर के पास रामायण मांझी का पुतला दहन किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी जो है, भाजपा पार्टी जो है, टिकट बंटवारे के पहले क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के क्रियाकलापों का और उनका कैसा इतिहास रहा है, कैसा उनका विकास कार्य रहा है, इस पे होमवर्क न करते हुए बस चेहरा दे करके टिकट का बंटवारा की है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी होमवर्क नहीं किया गया है टिकट बंटवारे के पहले, और नाम देख करके, चेहरा देख करके टिकट बांट दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि दरौली विधानसभा में रामायण मांझी का हारना बिल्कुल तय है और पार्टी जानबूझ करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब देखना ये होगा कि चुनाव के बाद क्या स्थिति रहती है, क्या जनता का मूड बदलता है या जनता उस समय भी रामायण मांझी का बहिष्कार करती है, यह देखना बड़ी ही दिलचस्प होगा। लेकिन जनता का इस तरह बौखलाना, जनता का इस तरह रोष व्याप्त करना कहीं ना कहीं अपने पूर्व विधायक के प्रति मन में जो रोष व्याप्त है उसको दर्शा रहा है। अगर रामायण मांझी जब विधायक हुआ करते थे उस समय अगर ये काम अच्छा किए होते तो इस समय इनको भरपूर जन समर्थन मिलता, लेकिन उन्होंने अब उस तरह से कोई भी काम नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो, और वही असंतुष्टि का परिणाम है जो अब अलग अलग जगहों पे उनका पुतला दहन करके और रोष व्याप्त करके जनता के मन से निकल रहा है। वापस जाओ वापस जाओ।